गुड मॉर्निंग अलोपी बेटा, आज का जो विषय रहेगा कबीर के पद, कवि हैं कबीरदास। तो बेटा जो हमने पूरा वीक यानी कि पूरा सप्ताह जो कार्य किया है उसकी रिवीजन वीडियो है, अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। लिसन केयरफुली बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जो ये पद्यांश या दोहे लिखे हुए हैं उनकी हर एक पंक्तियाँ, फर्स्ट पंक्तियाँ मैंने लिखी हुई हैं। आप अपनी बुक्स को ओपन करेंगे और रीड करेंगे यानी कि ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिनकी दो जोग। तो प्रस्तुत जो पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह बाग कबीर के पदों से लिया गया है। तो इस पद में संत कबीरदास जी ने ये बताया कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, वही सबके पिता परमेश्वर हैं, वही सबके हृदय में व्याप्त हैं। ईश्वर की एक ही ज्योति है, एक ही ज्योति का स्वरूप है। यानी कि प्रस्तुत पद में संत कबीरदास ने ईश्वर की महत्ता पर, ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को हर कण कण में, यानी कि ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है। परमात्मा चर है, अचर है, जड़ है, चेतन है, सभी में समाया हुआ है। परमात्मा की जो प्राप्ति हमें अपने हृदय में ध्यान लगाने से होती है, यानी कि उनका यही मत है कि संसार में सबको एक समान वायु, एक समान जल, एक समान प्रकाश मिलता है। यानी कि जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी से, एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों को रूप दे देता है, उसी तरह परमात्मा ने भी हमें पंच तत्व रूपी मिट्टी से सभी मनुष्यों को एक ही मिट्टी से बनाया है, यानी कि अलग अलग प्रकार का बनाया है। ईश्वर सबके हृदय में निवास स्थान करता है। यानी कि जिस प्रकार जो बड़ा ही होता लकड़ी को तो काट सकता है, हमारे जो हृदय में व्याप्त परमात्मा का निवास स्थान से हमारी आत्मा से परमात्मा को अलग कोई नहीं कर सकता। कबीर है जो माया को तल्लीन यानी मनुष्य को चेतावनी देता है कि माया से अलग रहकर ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। देखो बेटा, सेकंड जो पंक्ति हमारी, संतो देख जग बोराना, सांच कहे तो मारन धावे। तो इन पद में कबीर दास ने समाज की मानसिकता पर प्रकाश डाला कि समाज के जो लोग हैं कैसे दिखावा और अंधविश्वास आडंबरों के पीछे लगे हुए हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, उन पर करारी चोट की है। उन्होंने कहा कि कुछ साधु संत फकीर लोगों को मैंने देखा है जो प्रातःकाल उठकर यानी ध्यान स्नान करते हैं और ध्यान लगाते, व्रत नियमों का पालन करते हैं, पीपल पत्थरों को पूजते हैं। ऐसे लोग झूठे आडंबर दिखावा करते हैं। लोग टोपी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, धारण करते हैं, कुरान पढ़ पढ़ कर यानी कि अपने शिष्य भी बना लेते हैं और खुद तो भटके हुए हैं ऐसे भ्रम जाल में, और अपने शिष्यों को भी भवसागर में डुबो देते हैं और राम और रहीम के नाम पर दोनों लड़ते रहते हैं, यानी कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सत्य से ऐसे लोग दूर हैं, परमात्मा का उन्हें ज्ञान नहीं है और घर घर जाकर मंत्र देते हैं, अपने आप को गुरु होने का उनको अभिमान है। ऐसे लोगों से ईश्वर ने दूर रहने की प्रेरणा दी है कि उन लोगों से दूर रहने के लिए ही ये रास्ता अपनाया कि ईश्वर की भक्ति करना ही, ईश्वर के मर्म को जो भूले हुए हैं वो लोग अंत काल में पछताना पड़ता है। यानी कि ईश्वर के झूठे पाखंड और कर्मकांडों से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, प्रभु की प्राप्ति सह साधना से प्राप्त हो सकती है। देखो बेटा, थर्ड जो पंक्तियां हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, इन पंक्तियों में कबीर दास ने बताया है कि संसार की भी अजीब दशा है, जब सच कहो तो मारने को आते हैं, अगर झूठ कहे तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो नियम और धर्मों का पालन करते हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं। और ऐसे लोगों पर कबीरदास ने तीखे कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं साधक की मुद्रा में आसन लगाकर बैठ जाते हैं, झूठा गुरु होने का उनको अहंकार है, पीपल पत्थरों वृक्षों को पूजते हैं। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने उन्हीं लोगों पर करारा व्यंग किया जो ज्ञान देने के लिए लोग साखी और शब्द गाते फिरते हैं। परमात्मा का तत्व का उन्हें ज्ञान नहीं है। हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ बताता है, मुसलमान अपने रहमान को बताता है, दोनों ही उनके नाम पर लड़ते रहते। तो कवि ने संसार के लोगों को पागल बताकर उनकी अज्ञानता पर प्रकाश डाला है। तो बेटा, इन साखियों से, कबीर की साखियों से हमें क्या संदेश मिला है? तो हमें साधु संतों की संगति में बैठना चाहिए, यानी कि उनकी जाति न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, हमारे मन को एक चित करके यानी एकाग्र करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। पाखंडों का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। समाज में हमें सबको समान भाव से देखना चाहिए और अपने निर्मल यानी कि शांत स्वभाव से अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। धन्यवाद बेटा।